बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब से लाइव हूँ जी आपके साथ में। आपको दे दूंगा एक छोटी सी अपडेट थी जो मैंने बोला आप लोगों के साथ जरूर शेयर करनी चाहिए। वो ये है कि सऊदी अरब में आपने देखा होगा कि अक्सर सऊदी मैंने देखे है लड़के गाड़ी में बड़े बूफर चलाकर घूमते हैं, और इसके अलावा मैंने नहीं देखा है सऊदी अरेबिया में ट्रैक्टर वगैरह तो है नहीं है। अगर कोई ऐसी मशीनरी है जैसी कि ये है जी, देख लें जी, ये ट्रैक्टर टाइप ही इसे बोल रहे हैं, इस पर भी मैंने नहीं देखा कोई डेक वगैरह, कोई साउंड वगैरह, गाड़ियों में साउंड चल रहा है, घरों में साउंड चल रहा है, ऐसा नहीं होता है सऊदी अरेबिया में। जो मेरे भाई मुकीम है उनको तो पता होगा, लेकिन अभी एक नया भाई सऊदी अरेबिया में कानून पास कर दिया गया है। वो ये है कि अगर सलाह हो रही है यानी कि अजान हो रही है, या इस दौरान जमात और सलाह के दौरान या जमात हो रही है उस दौरान खास कर आपने ऊंची आवाज़ में म्यूज़िक चलाया हुआ है, चाहे आपने अपने घर पर चलाया हुआ है, किसी गाड़ी में चलाकर घूम रहे हैं, आपको किसी दौरियत वगैरह या मरूर वगैरह या शूटर वगैरह ने देख लिया, या किसी भी सऊदी ने आपकी वो वीडियो बनाकर नेट पर डाल दी, वो लोग फिर खुद ब खुद देख लेंगे, तो आपको भाई 1000 रियाल का फ़ाइन है। अगर आप आगे से बहस तकरार करेंगे तो 2000 रियाल का फ़ाइन है, ये मैं आपको बता दूँ। अगर खुदा न ख्वास्ता ऐसे किसी वकूफ़ में आप फंसते हैं तो फिर खामोश हो जाएँ, उसके अलावा कोई बात ना करें, 1000 रियाल का फ़ाइन होगा। इससे ज़्यादा अगर आपको भाई बहस तकरार करेंगे तो 2000 रियाल का फ़ाइन होगा। हाँ, अगर अजान के बगैर भी खारजी भाई, खासकर इस बात का ख्याल रखिएगा, अजान के बगैर भी आप घर में रूम में म्यूज़िक चला रहे हैं तो इस लिहाज से चलाइएगा कि वो रूम में रहे, इससे ज़्यादा लाउड स्पीकर मत चलाइएगा, अजान के बाद भी आपको मुश्किल हो सकती है खारजियों को। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। सऊदी अरेबिया में मेरे बसे तमाम भाई, सऊदी अरब मुतलक आपको कोई भी और न्यूज़ जाननी हो मुझे कमेंट कीजिएगा। अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।